हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हेयर। सो यहाँ पे रेडमी नोट 10 प्रो के लिए दो रीजंस के लिए लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच के साथ न्यू अपडेट्स बेटा टेस्टर से पब्लिक में रोलिंग आउट होने स्टार्ट हो चुके हैं। रेडमी नोट 10 प्रो के लिए MIUI 14 के न्यू स्टेबल बिल्ड्स। सो यहाँ पे सबसे पहले ग्लोबल स्टेबल के लिए 14.0.7.0 ग्लोबल स्टेबल अपडेट MI पायलट से पब्लिक में रोलिंग आउट होना स्टार्ट हो चुका है और इस अपडेट की रिकवरी रोम अवेलेबल हो चुकी है और इसकी डाउनलोडिंग सो अवेलेबल हो ही चुके हैं, लेकिन इसकी ओटी रोम अवेलेबल नहीं हुई क्योंकि ये वाला स्टेबल अपडेट केवल और केवल स्पेशल यूजर्स के लिए ही यहाँ पे रोलिंग आउट किया जा रहा है। और इसी के साथ यहाँ पे Redmi Note 10 Pro के लिए यूरोप स्टेबल के लिए भी 14.0.6.0 यूरोप स्टेबल अपडेट MI पायलट से पब्लिक में सेम सिक्योरिटी पैच सितंबर के साथ रोलिंग आउट होना स्टार्ट हो चुका है, लेकिन यहाँ पे सिक्योरिटी पैच के साथ भी एक बहुत ही बड़ा खेल यहाँ पे Xiaomi ने खेल लिया है, वो भी मैं आपको यहाँ से शो कर देता हूँ। सो यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट में चेकआउट कर सकते हैं 14.0.7.0 सितंबर सिक्योरिटी पैच, लेकिन जब आप इसके वर्ड्स न्यू में जाएंगे सो आपको यहाँ पे ही अगस्त के मंथ का सिक्योरिटी पैच मिलेगा और यही सेम सीन Redmi Note 10 Pro के MIUI 14.0.6.0 यूरोप स्टेबल अपडेट में भी किया गया है। सो अब यहाँ पे ये कह पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है कि Redmi Note 10 Pro में सितंबर का पैच है या फिर अगस्त के मंथ का सिक्योरिटी पैच है। आपको क्या लगता है कमेंट के जरूर बताना। और ये वाला स्पेशल अपडेट आप मैन्युअली ही फ्लैश कर सकते हैं OTA के थ्रू, ये अपडेट्स आपको कभी भी देखने के लिए नहीं मिलेंगे। सो यही थी पूरी छोटी सी इन्फॉर्मेशन। और यहाँ पे Redmi Note 10 Pro इंडिया अनऑफिशियली एंड ऑफ सपोर्ट हो चुका है, MIUI 15 भी उसे देखने के लिए नहीं मिलेगा। Redmi Note 10 Pro इंडिया के लिए MIUI 13 एंड्रॉइड 12 इज द लास्ट एंड्रॉइड अपडेट एंड MIUI अपडेट ऑफिशियली फॉर इंडिया वेरिएंट। और यहाँ पे ग्लोबल के वेरिएंट्स के लिए भी न्यू अपडेट्स के केवल डाउनलोड लिंक्स आ रहे हैं, उनको मैन्युअली ही फ्लैश करना पड़ेगा। OTA के थ्रू आप इनको कभी भी यहाँ पे नहीं देख सकेंगे। सो ये थी आज की पूरी वीडियो Redmi Note 10 Pro MIUI 14 न्यू अपडेट से रिलेटेड।